एक नेता है जो आपके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, आपने नेता से याद आया, आप उनके घर जाते हैं, वो आपके घर आते हैं, चाय पे चर्चा होती है, बट वो ट्रेन इंजन इस इंडिया की बोगी में फिट होने वाला है कि नहीं? किसकी बात कर रहे हैं आप? रेल इंजन किसकी है सर? अच्छा, रेल इंजन की आप बात कर रहे हैं। देखिए, वो तो समय के साथ आपको पता चले। मैं आज इतना ही कहता हूं कि एक समय ऐसा था कि उनके और हमारे विचारों में अंतर था, क्योंकि हम लोग एक व्यापक विचार वाले लोग हैं। क्षेत्रीय अस्मिता ये तो होनी चाहिए। कोई अगर महाराष्ट्र में रहकर मराठी की बात करता है तो करनी ही चाहिए, लेकिन एक्सक्लूजन में बात करना ये हमारी पार्टी को मान्य नहीं था। हम व्यापक विचार रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम में कुछ दूरियां थी, लेकिन विचारों की दूरियां तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि उन्होंने जब से मराठी प्राइड के साथ एक हिंदू प्राइड को भी अपनाया है, हिंदुत्व को अपनाया है, तो मुझे लगता है कि अब हमारे विचारों में कोई बहुत दूरियां नहीं रही है। अब पॉलिटिकली क्या होगा, वो क्या विचार करेंगे, हम क्या तय करेंगे, ये तो सारी चीजें कुछ समय के बाद तय होगी। पर खिचड़ी ज्यादा नहीं पक रही है सर, नहीं, अब बहुत ज्यादा घोलमेल। ऐसा ही होता है, जब एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति स्टेट में होती है तो ऐसी खिचड़ी पकती है और पकानी भी पड़ती है। लेकिन खिचड़ी कितनी भी हम पकाए तब भी सेंटर पॉइंट, मेन पिलर तो बीजेपी है और वही रहेगा। पर इसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं होगा मतलब किस प्रकार से असर होगा? क्योंकि ये खिचड़ी है, तुम जो ना पवा ना, कोई छुपा। असर नहीं होगा। अरे भाई, असर होने का सवाल ही नहीं है। अभी दो ही खेमे हैं, मोदी जी के साथ और मोदी जी के खिलाफ। जो मोदी जी के साथ का खेमा है उसका सिंबल क्या है, वो व्यक्ति क्या है, ये बिना देखे लोग उसको वोट करेंगे। और जो मोदी जी के साथ नहीं है उसका सिंबल क्या है और व्यक्ति क्या है, ये बिना देखे उसको रिजेक्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि पिछली बार जो ये 48 सीटें हैं, इसमें एनडीए का वर्चस्व पिछली बार से ज्यादा होगा, 42 ज्यादा के होना ऊपर? चाहिए ऐसा मैं मानता हूं।